हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग का मधुमेह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे वॉशिंग पाउडर, मतलब डिटर्जेंट पाउडर, जिससे कि कपड़े धोते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बारिश में ये जो वॉशिंग पाउडर होते हैं चिपक जाते हैं और गीले गीले से हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग बनाएंगे वो ऐसा होगा कि जो आपकी बारिश में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, एकदम सूखा रहेगा, एकदम दानेदार रहेगा, और ये बहुत आसान है बनाना। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सोडा ऐश है, इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये डोलोमाइट पाउडर है, ये SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये एसिड स्लरी है, ये CMC पाउडर है, इसको कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भी कहते हैं। ये थिकनिंग का काम करता है और प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम आता है ये, और इससे कपड़ा अच्छा साफ होता है। ये सोडियम परबोरेट है, ये रानी पॉल है, ये TSP है, STPP, ये कलर ग्रैन्यूल्स है, उस ऊपर से डालेंगे डिफरेंट कलर्स देखने में अच्छा लगे इसलिए, और ये कुछ ब्लू कलर है था, मैंने उसको थोड़ा सा पानी में घोल लिया है उसको ब्लू कलर बनाने के लिए। तो देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने खाली बाउल लिया है, इसमें सबसे पहले सोडा ऐश डालेंगे। फिर इसमें एसिड स्लरी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा, रिएक्ट करता है उसके साथ में। फिर इसमें SLS ये भी सर्फेक्टेंट है, ये भी झाग के लिए होता है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें TSP मिलाएंगे, STPP, CMC, थोड़ा सा पड़ेगा ये डोलोमाइट, रानी पाल, सोडियम परबोरेट, फिर इसमें ये कलर डाल देंगे थोड़ा सा।
तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, ब्लू कलर डाला था इसलिए ब्लू कलर बन गया है। आप इसको धूप में सुखा लेंगे क्योंकि इसमें कलर डाला था, थोड़ा पानी डाला था और एसिड स्लरी थी लिक्विड, तो ये थोड़ा सा गीला है हल्का सा, तो इसको धूप में सुखा लेंगे, एकदम ड्राई कर लेंगे। तो इसको सुखाने के बाद जब धूप में सूख जाएगा तो इसको आप छलनी से छान लीजिएगा, जो ये मोटा मोटा थोड़ा सा है ये सब पूरा छन जाएगा तो एकदम बारीक हो जाएगा, और जो मोटा है इसको आप इसको क्रश कर लीजिएगा किसी चीज़ से। फिर जब ये आप छान ले तो उसके बाद में थोड़े कलर ग्रेन्यूल्स डाल लीजिएगा उसमें, ये मार्केट में मिल जाते हैं, ये डाल के बहुत सुंदर लगता है। और इसमें आप कोई भी खुशबू डाल सकते हैं, कोई भी फ्लावर की जो आप लाइक करते हैं। तो देखिए सर्फ एक्सेल तैयार है, आप लोग बनाइए इसे, फीडबैक दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें आपको और भी कलर्स मिलते हैं ग्रेन्यूल्स में, मेरे पास दो कलर थे मैंने दो डाले, और भी आपको दूसरा कलर्स मिले तो वो भी ले लीजिएगा तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब इसका पीएच देख लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा ये पाउडर डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। देखिए ये पीएच पेपर है, इसको इसमें डिप कर रही हूँ। तो देखिए ये कलर इसमें आया है, मैच करके देखते हैं कि कितना पीएच लेवल है। कि इसमें बना हुआ है अलग अलग नंबर में शेड्स बनाए हुए हैं, तो इस पर मैच करके देखते हैं। तो देखिए ये 7 और 8 के बीच में आ रहा है, यही इसका पीएच लेवल होना चाहिए, तो ये परफेक्ट है इसका पीएच लेवल। दोस्तों अब मैं दिखा रही हूँ कि इसमें कितना झाग बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा झाग बना है, कितनी अच्छी क्वालिटी का पाउडर बना है। फ्रेंड्स बारिश में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला रहेगा। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, नमक डालने से उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चिपचिपा हो जाता है, इसीलिए इसमें नमक नहीं डाला है, तो ये एकदम सूखा रहेगा पाउडर फॉर्म में। दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लो कॉस्ट बिजनेस और जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, ये बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत इजी है बनाना। जैसे कि आपने देखा खाली मिक्सिंग प्रोसेस है, सामान लाना है और मिक्स करना है। अगर आपको बड़े स्केल में करना है तो खाली एक मिक्सर मशीन लेनी है और उसमें सब रॉ मटेरियल्स डालना है और अपने आप मिक्स हो जाएगा। बस फिर आपको क्या करना है, छोटी छोटी थैली में भरना है और बेचना है। पहले तो आप शुरू में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटी छोटी थैली में भरिए और अपने फ्रेंड्स को दीजिए और उनका फीडबैक देखिए। अगर वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा बना है तो आप फिर पास वाली शॉप्स में जाके उनको दे सकते हैं कि सेल करें, उनको थोड़ा कमीशन देंगे तो शॉपकीपर्स भी आपका ये सेल करेगा। और आपने अगर देखा कि बढ़ता जा रहा है आपका सेल, तो आप फिर बड़े स्केल में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स आपको मार्केट में जो भी वॉशिंग पाउडर मिलते हैं वो चिपक जाते हैं बारिश में, ये आपका बहुत अच्छी सेल होगी क्योंकि ये चिपकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद में आपको एक बेल दिखेगी, उसको प्रेस कर दीजिएगा,
बेल प्रेस करने के बाद में आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, सबसे ऊपर आपको ऑल लिखा हुआ दिखेगा, तो ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऑल प्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल प्रेस करने से ऐसा होगा कि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा और तुरंत आएगा। तो अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑल क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।